to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उभार को रोकने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है। बुधवार की शाम को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कुल 17 सीटों पर गठबंधन हुआ है। वहीं पूर्वांचल की दो महत्वपूर्ण सीटों में से वाराणसी कांग्रेस के खाते में और गाजीपुर जो है वो सपा के खाते में रहने वाली है। बता दें कि सपा ने गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं मुख्तार अंसारी, जिसके खिलाफ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राय ने लंबी लड़ाई लड़ी है, अब वो क्या करेंगे। जी हाँ, बात करें तो कांग्रेस नेता अजय राय दिवंगत अवधेश राय के छोटे भाई हैं। अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फायरिंग की आवाज से आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था। अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। मारुति वैन में आए बदमाशों ने अवधेश राय पर गोलियों की बारिश कर दी थी। वहीं पिछले साल इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब इसे संयोग कहे या फिर राजनीतिक प्रयोग की, राज्य अजय राय को अपने गृह जनपद में अंसारी परिवार को चुनाव जीतने में मदद तो करनी ही पड़ेगी। वहीं बात करें तो आपको पता ही होगा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कुल 17 सीटों पर गठबंधन हुआ है। सपा ने कांग्रेस के जो 17 सीटें दी है उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबांकी और देवरिया शामिल है। दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर एक दूसरे की मदद करती नजर आएगी। बाकी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और अजय राय में जो दुश्मनी है वो लगातार चलते नजर आता है, तो अब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को जो सपा ने टिकट दिया है उसको सपोर्ट किस तरीके से अजय राय करेंगे या फिर उस पर क्या फैसला लेंगे, ये बेहद आने वाले समय में देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, इसे बताइए। धन्यवाद।